हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 साल की लड़की के लिए कैप्री बनाएंगे। ये मेरे पास फैब्रिक है, आधा मीटर है। इसे हम लंबे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमने 4 फोल्ड किया है इस तरह से। ये आधा मीटर कपड़ा है। आधा मीटर में हमें 6 साल की लड़की के लिए कैप्री अच्छे से बन जाएगी। तो इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तब हम यहाँ से ऊपर की ओर से यहाँ 2.5 इंच फिनिशन लगाएंगे और यहाँ भी हम 2.5 इंच फिनिशन लगाएंगे। ये हमारा नेफा रहेगा। नेफे के लिए हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे हम सीधे लाइन देंगे यहाँ से। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे नेफे के लिए। अब हम यहाँ से जो 2.5 इंच लिया है यहाँ, अब हम यहाँ से बन साइड है, यहाँ से हम हिप की साइज है, हिप की साइज 28 28 का हम 1/4 लेंगे, 7 इंच। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने 1.5 इंच फिनिशन लगाया। अब हम यहाँ से नीचे की ओर 10 इंच लेंगे आसन के लिए, यहाँ निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। यहाँ से हम कर्व शेप देंगे आसन के लिए। अब इसकी लेंथ लेंगे हम, जहाँ से हमने नेफा के लिया वहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ लेंगे हम 23 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मोहरी के लिए। तो 24 इंच लिए हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक 24 इंच ली। अब अपने हिसाब से इसकी लेंथ ले सकते हो। और यहाँ से जो हम ये मोहरी है इसकी जितनी चौड़ाई हम उतनी रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी फ्रिल बनाएंगे। इस तरह से चुन डालेंगे इस पर, चुन डाल के या फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। आप चाहो तो चुन डाल के इसमें पट्टी लगा सकते हो या फिर इसे फोल्ड करके इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो मैं इतनी जितनी चौड़ाई इतनी रखूँगी और यहाँ से सिर्फ इसे सीधा कट कर लूँगी। थोड़ा सा हम 1 इंच कम करेंगे, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन लेंगे, इसे कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन्हें अलग करेंगे। और ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम दोनों आसन ज्वाइन करेंगे। ये दोनों पार्ट्स के जो आसन है इन्हें पहले हम ज्वाइन करेंगे एक साइड से, इस तरह से दोनों बराबर लेंगे और यहाँ तक जहाँ तक आसन है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, नेपे से लेके आसन तक। इस तरह से अब दोनों को हम इस तरह से करेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे।
यहाँ हमने इस तरह सिलाई लगा दी। अब दूसरा साइड का भी आसन हम इसी तरह ज्वाइन करेंगे। ये दोनों साइड से हम रॉन्ग साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने दोनों साइड का आसन को सिलाई लगा दी। अब हम नेफे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमारी जितनी इलास्टिक चौड़ी है वही हिसाब से हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालूंगी, तो इस तरह से मैं इसमें इसे फोल्ड करके इसे सीधी सिलाई लगाऊंगी। हमने यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, तो उसके सामने हम 1 इंच का गैप रखेंगे सिलाई का, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक डाल सके। तो यहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम नीचे मोहरी की तरह जो इसका पोंछा है यहाँ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें छोटी वाली इलास्टिक डालेंगे इस तरह की, तो इसमें छोटी वाली इलास्टिक डालेंगे, तो इस हिसाब से हम ये इसको सिलाई लगाएंगे। इसको हम रॉन्ग साइड से यानी कि अंदर की ओर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दूसरे साइड को भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों मोहरी को सिलाई लगा दी। अब हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से हमने 12.5 इंच हमने ये इलास्टिक ली, 2 निकाली हमने। अब हमें जो हमारे बॉटम है इसके अंदर पिन से हम इसको डालेंगे। इस तरह से हमने ये इलास्टिक पिन से डाल दी। अब हम ये पिन निकाल लेंगे और इसे यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड में भी हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इलास्टिक अटैच कर ली। अब हम दोनों साइड के आसन से लेके मोहरी से लेके आसन तक हम इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे। अभी इन्हें ज्वाइंट कर लेंगे हम। इस तरह से हम ये दोनों आसन बराबर साथ में लेंगे और ये मोहरी सीधी सिलाई लगाएंगे हम।
यहाँ आसन की तरफ हम थोड़ा दोनों साइड से थोड़ा कट लगाएंगे। अब हम नेफे की तरफ इलास्टिक डालेंगे। यह हमने इलास्टिक लिए, इस तरह से 6 इंच कम लिए, तो इसकी हमने जो लंबाई ली है 20 इंच की हमने ये इलास्टिक लिए। अब इसे हम पिन से जहाँ से हमने गैप रखा था वहाँ से हम इसे डालेंगे। ये देखिए यहाँ हमने गैप रखा था, यहाँ से हम इसे अंदर की ओर डालेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक डाल ली। अब ये इलास्टिक को हम इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर देंगे सिलाई से। इस तरह से हम 2-4 बार सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। अब हम ये इलास्टिक अंदर डालेंगे, बराबर कर लेंगे इस तरह से इलास्टिक को। इसके अंदर डालने के बाद अब ये हमने जो गैप रखा था यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे इस तरह से एक लंबी वाली स्ट्रिप निकाली, ये देखिए इस तरह से हमने इसे सिल के इसे हम इसका इस तरह से बनाएंगे। और उसे ये जो मोहरी है मोहरी के साइड में एक साइड में हम इस तरह से इसे सिलाई देंगे। इस तरह से हमारी कैप्री तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।